फोटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कैमरा ना, लेंसेज नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट होती है कंपोजिशन। जब भी आप कोई भी फोटोग्राफ देखते हैं तो आप उसमें ये नहीं देखते कि उसका अपर्चर क्या है, शटर क्या है, आईएसओ क्या है, आप सिर्फ उसको कंपोजिशन को देखते हैं। सो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे जो आपकी फोटोग्राफी को एक लेवल और अपग्रेड कर देगी। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहली कंपोजिशन है वो है लीडिंग लाइंस। तो आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपकी जो आईज़ है इस कंपोजिशन के अंदर लीड करती है लाइंस के थ्रू। अभी आप जो कंपोजिशन देख रहे हैं हम यहाँ पे भी लीडिंग लाइंस ही यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इन कंपोजिशन में होता क्या है, आप लाइंस को यूज़ करते हो अपने मेन सब्जेक्ट तक अपने व्यूअर को पहुँचाने के लिए। तो इन्हीं लाइंस को हम लीडिंग लाइंस बोलते हैं, जो आपके व्यूअर को लीड कर रही है आपके मेन सब्जेक्ट और मेन स्टोरी की तरफ। सो जो हमारा सेकंड कंपोजिशन रूल है वो है फ्रेम इन फ्रेम। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक आपका मेन फ्रेम होता है, उसके अंदर आप मल्टीपल फ्रेम्स क्रिएट करते हो लार्जर स्टोरी क्रिएट करने के लिए। सो अभी आप जो कंपोजिशन देख रहे हो ये भी फ्रेम इन फ्रेम ही है। सो इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे पहले हमने स्टार्टिंग में एक फ्रेम यूज़ किया है, उसके बाद आप मेन सब्जेक्ट को देख रहे हो। आप गैस कीजिए कोई विंडो है, उसके बाहर कोई सीन है, तो आप विंडो को एज ए फ्रंट फ्रेम यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर आप फिर कोई और कंपोजिशन या फिर कोई और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, जिससे वो फ्रेम इन फ्रेम वाला कंपोजिशन क्रिएट होगा और आपकी जो कंपोजिशन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और कई सारे सिनेमेटोग्राफर भी इस तरीके की कंपोजिशन यूज़ करते हैं अपनी फिल्म मेकिंग और वीडियोज़ में। सो गाइस जो तीसरा कंपोजिशन टिप है जो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में यूज़ करेंगे वो है सिमेट्री। तो सिमेट्री नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको अपनी कंपोजिशन में इक्वल अपने फ्रेम को डिवाइड करना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करना है ताकि आपकी जो फ्रेम है वो एक बैलेंस लगे। सो गाइस जो नेक्स्ट कंपोजिशन टिप है वो है लेयर। अब लेयर क्या है, जैसे कि आप फोटोशॉप वाले लेयर की मैं बात नहीं कर रहा, लेयरिंग बेसिकली क्या होती है, जब आप कंपोजिशन में एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं तो अब लेयरिंग मतलब ये है कि आप तीन वे में उनको सोचते हैं, यानी कि फोरग्राउंड, मिडग्राउंड और बैकग्राउंड। मैं कभी भी जब भी कंपोजिशन करता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर, मैं हमेशा बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं अपने मिडग्राउंड और फोरग्राउंड पे आता हूँ। अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो आपके फोरग्राउंड और मिडग्राउंड में कितनी भी स्ट्रांग स्टोरी हो वो कहीं ना कहीं उसके साथ डिजॉल्व हो जाती है। यानी कि अगर आपको लार्जर स्टोरी क्रिएट करनी है तो आप बहुत सारे एलिमेंट्स को एक ही फ्रेम के अंदर कंपोज कर सकते हो, बट जब आप लेयरिंग कर रहे हो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, सेपरेशन। अगर आपकी सेपरेशन नहीं है आपके एलिमेंट्स में तो आपकी जो स्टोरी है वो डिजॉल्व हो जाती है और वो आई प्लीजिंग नहीं लगती है एज ए कंपोजिशन लेवल पे। सो गाइस जो नेक्स्ट कंपोजिशन टिप है वो है कलर्स। कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फोटोग्राफी में। जब भी हम चीज़ों को देखते हैं हम कलर फॉर्म में देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलर हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लाइक रेड है काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है, येलो है काफ़ी अट्रैक्टिव कलर है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो इन कलर से जस्टापोजिशंस भी क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली आप कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं कलर्स को यूज़ करके भी, ताकि आपकी जो फोटोग्राफ है वो अट्रैक्टिव लगे और आई प्लीजिंग लगे। और आप कलर्स को यूज़ करके भी इमोशन जो है उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेड कलर जो होता है वो डेंजर का भी होता है और वो लव का भी होता है। तो उस तरीके से भी आप सोच के अपनी कंपोजिशन को फ्रेम कर सकते हैं और अपने फ्रेम्स के अंदर स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर इमोशन ऐड कर सकते हैं कलर्स को यूज़ करके। तो गाइस जो नेक्स्ट कंपोजिशन टिप है, ये कंपोजिशन उतनी ज़्यादा टिप नहीं है बट एक मैं बोलूँगा एलिमेंट टिप है स्ट्रीट फोटोग्राफी की, कि आप जब भी शूट कर रहे हैं तो आप एक्टिव फ्रेम्स फाइंड कीजिए। यानी कि जब भी आप कोई भी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर, तो आपको वो फ्रेम क्लिक नहीं करना जिसमें सब कुछ एकदम स्टिल है, आपको वो फ्रेम क्लिक करना है जिसमें एनर्जी है, कुछ जंप कर रहा है या कुछ भी इस तरीके की एनर्जी जो है अगर आपके कंपोजिशन में ऐड होती है तो आपकी कंपोजिशन में जान आती है, आपकी फोटोग्राफ स्ट्रांग लगती है और जो वो वॉइस है वो आपके व्यूअर तक पहुंचती है। तो आपको एक्टिव फ्रेम्स ढूंढने जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं। सो गाइस जो लास्ट कंपोजिशन रूल है वो एक कंपोजिशन रूल भी है और मैं बोलूँगा कि एक सजेशन भी है आप सबको, कि आप जितने भी मैंने कंपोजिशन रूल बनाए हैं या आप जो भी पढ़ेंगे उन्हें फॉलो कीजिए, लेकिन उन्हें ब्रेक भी कीजिए। पहले उसे लर्न कीजिए, उसके बाद अनलर्न कैसे करना है ये भी आप लर्न कीजिए। यानी कि आप अपने कंपोजिशन रूल भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्टोरीज क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम कंपोजिशन फॉलो करने के चक्कर में आपकी स्टोरी जो है वो डाउन हो जाती है। स्टोरी इज़ द किंग। अगर आपकी स्टोरी बैंग ऑन है तो उसमें किसी भी तरीके की कंपोजिशन हो इट डजंट मैटर। सो गाइस ये थी कुछ कंपोजिशन टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आई होप जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी या फोटोग्राफी करने जाएंगे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको सबसे फेवरेट कंपोजिशन रूल कौन सा लगा और आप कौन सा ट्राई करने वाले हैं इन फ्यूचर में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।